आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए कब आप लोगों का आज आवाज आ रही है सभी का? यस मैम। आवाज मुझे लगता है। वन सेकेंड। बताइए आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए आज हम क्या दिखा रहे हैं बेटा? सिद्धि दिखाओ होमवर्क। अच्छा ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। हर्षित आपने किया होमवर्क? यस मैम। आपने होमवर्क किया? यस मैम। शो मी योर होमवर्क। आपने किया? नंदिनी ने था, नंदिनी का मैंने देख लिया था। ठीक है वेरी गुड। अच्छी थी मम्मी। मम्मी ने लिखा है ना? तुमने नहीं लिखा ना? खुद लिखा करो बेटा। yes, खुद लिखा करो। चलिए अच्छा आज हम आप लोगों की बुक में पढ़ना नहीं आता। अच्छा चले आज आप लोगों का लास्ट लेसन है। नेम है लेसन का चिड़िया लाई मटर का दाना। ठीक है ना? चिड़िया लाई मटर का दाना, ये वाला आज लेसन है, लास्ट है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? और उसके बाद फिर हम एक बार फिर से हिंदी का स्टार्टिंग से रिवाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है दिव्यांश, बुक खोल लो बेटा। लास्ट वाला लेसन है चिड़िया लाई मटर का दाना। मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से स्क्रीन। छोटी सी स्टोरी है ना? अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को, तो अब आप लोग बोल सकते हैं, बट शोर मत करिएगा। ठीक है? देखिए, चिड़िया लाई मटर का दाना। दाना है ना? देखिए स्टोरी क्या है। एक पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया चिड़िया रहते थे, है ना? एक पेड़ पे कौन रहते थे? चिड़िया और चिड़ा दोनों लोग रहते थे। फिर एक दिन चिड़े को बहुत भूख लगी। अब देखो दोनों लोग आपस में क्या बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना ले आओ, है ना? मेरे लिए कुछ खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है? फिर है चिड़िया उसके लिए चावल के दाने ले आई। चिड़िया कौन से ले आई? चावल के दाने। मैं तो चावल मटर के साथ ही खाऊंगा। अब वो कह रहा है कि मैं तो चावल मटर के साथ ही खाऊंगा, खाली चावल के दाने नहीं खाऊंगा। ठीक है? तब चलिए चिड़िया क्या करती है देखिए। चिड़िया उड़कर खेत में गई और मटर की बेल से कहा, दे दो मुझे मटर का दाना, तब चिड़ा खाएगा खाना। क्या बोली? दे दो मुझे मटर का दाना, तब चिड़ा खाएगा खाना। ठीक है? फिर है तो मटर की बेल क्या बोलती है? चिड़िया पहले हमें पानी दो, तब हमारी फलियों में
मटर पड़ेंगे तभी तो हम तुम्हें मटर दे सकेंगे, है ना। उसने कहा कि पहले मुझे पानी दो तभी तो क्या कहते हैं उसमें मटर पड़ेंगे फलियों में और तब हम तुम्हें मटर दे सकेंगे। तो अब कैमरा क्यों ऑफ हो जा रहा है। फिर अगला है आपका, यह सुनकर चिड़िया नदी के पास गई और बोली, नदिया मीठा पानी दो, खेतों में हरियाली दो, मिले मटर का मोटा दाना, तब चिड़ा खाएगा खाना, है ना। फिर से वो एक कविता की तरह बोलती है उस पे। तो नदी क्या बोलती है, देखो देखो मुझ में पानी है ही कहाँ, मैं तो सूखी पड़ी हूँ, जाओ पहले बादलों से कहो कि जल बरसाए, है ना। अब वो कहती कि अब आप बादल के पास जाओ और उनसे कहो कि बादल जब पानी बरसेगा तब, क्योंकि नदियों में जल भर जाता है ये, है ना, तो उससे जाकर कहो कि पहले पानी बरसाए। फिर अगला क्या है बेटा, चिड़िया ने बादलों से कहा, काले बादल जल्दी आ जा, जल्दी आकर जल बरसा जा, नदिया में तू पानी भर दे, मिले मटर का को मोटा दाना, तब चिड़ा खाएगा खाना, है ना। काले बादल से कहती है जल्दी आओ पानी बरसाओ ताकि नदियों में पानी भर जाए और मटर का मोटा मोटा दाना हो जाए तो चिड़िया चावल और मटर खाएगा। अब देखिए फिर अगला है, सॉरी, बादलों को चिड़िया पर दया आ गई, देखते ही देखते आकाश काले बादलों से भर गया, रिमझिम रिमझिम जल बरसने लगा, नदियां पानी से भर गई, खेत हरे भरे हो गए, मटर की फलियां दानों से भर गई, है ना पानी भी बरसा तो वो हो गए। फिर हो गया आपका क्या है, चिड़िया मटर के दाने लेकर खुशी से कुदकती हुई चिड़े के पास पहुंची, दोनों ने मिलकर मटर चावल खाए। देखो इनके मुंह पे है ना मटर और चावल के दाने, देखो दिख रहे हैं ना सबको, दोनों ने, तो चिड़िया ने कितनी मेहनत की है ना, सबने देखा, पहले वो मटर के फली के पास गई, फिर नदी के पास गई, फिर नदी से के बाद काले बादलों के पास गई, ठीक है। वन सेकेंड, अब इसमें जो एक्सरसाइज है, आप लोगों को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे अगर कोई डाउट है। आप देखिए इसमें जो नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट है आपकी ये, है ना, एप्लीकेशन है। ये हो गया। देखिए पहला वाला क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, दूसरा और तीसरा आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है, दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क रहेगा। देखिए क्या है, पहले वाले में सारे बच्चे अपनी बुक में सीडब्ल्यू डेट डाल लें। मैम, हाँ बेटा, ये 64 पेज नंबर के बारे होनी है कि वापस से रिपीट करना है। अभी पहले इसको करो फिर बताएंगे हम, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन है, सही कथन पर टिक और गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए, है ना, ये लगाना है,
तो पहला पहला क्या लिखा है पहले बताओ, पहले का नंबर में क्या सेंटेंस लिखा है, वाक्य का नंबर आधा पाव उसके बाद आधा पूरा थी, क्या लिखा है, चिड़िया को भूख लगी थी, क्या भूख लगी थी, किसको भूख लगी थी, चिड़िया को भूख लगी, चिड़िया मम्मी पापा की हेल्प से मत पढ़ना सही है, फिर ग नंबर भी पढ़कर बताओ मुझे थोड़ा सा, ग नंबर में क्या लिखा है, वेरी गुड, चिड़िया पहले नदी के पास गई थी, चिड़िया पहले नदी के पास गई थी, सही है, बताओ मुझे ज्ञान जल बरसा दिया, बादलों ने चिड़िया के लिए जल बरसाया, ये सही कि गलत है, सही 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 है ना, आप देखिए सारे बच्चे अब ध्यान से देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री, ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पे करना है, रिक्त स्थान भरिए, ये उसी तरह जैसे पिछली मैं लेसन में बताई हूँ आपको कि जो सही शब्द है उसमें टिक करके फिर आपको उसको फिल कर लेना है, वन सेकेंड इसे इरेज कर दूँ, एच डब्ल्यू है ये आपका, ये आप लोग अपनी नोटबुक या बुक दोनों में जिसमें भी आप पीछे उसमें कर सकते हैं, बट ये फिल होना चाहिए बुक में, तो फिल ही होना चाहिए, ठीक है, एक दिन चिड़े को बहुत डैश लगी थी, क्या लगी थी, प्यास लगी थी कि भूख लगी थी, अगर भूख लगी थी तो भूख में टिक करिए, फिर भूख को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, इसी तरह सभी में करना है, फिर इसमें एक ही मात्रा लगा करके सही शब्द बनाने, जैसे दान का दाने, पौध का पौधे, बेल का बेले, चिड़ का चिड़े, काल का काले, अब इतने मैंने बता दी, इस तरह आगे की आप लोगों को करने हैं अपने से, ठीक है ना, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क सारे बच्चों को सही और साफ सुथरा और अपने से करना है, मम्मी पापा की हेल्प तब लेना जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, कर उनसे करवा मत लेना, ठीक है, हाँ, तो ये सारे बच्चे ध्यान दें, जिनके पास बुक नहीं है वो देखिए मैं शेयर कर रही हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आप उसे कॉपी कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को, अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, बताइए मुझे कोई दिक्कत हो तो, मैम बुक पे कि नोटबुक पे, बुक पे बुक पे कर लीजिएगा, बुक पे, जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे वीडियो से कॉपी करके बुक में नोटबुक में कर लेंगे, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है, ओके मैम, यस मैम, यस मैम, समझ में आ गया सभी को, मैम ओके बाय, ऐसा करो तुम मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना, ठीक है, इसकी पिक सेंड कर देना मेरे, ठीक है शर्मा, मैम हाँ बेटा बोलो, वीडियो भी तो बना सकते हैं, वीडियो वीडियो अच्छा, इस बात का वीडियो बनाओगे क्योंकि आप लोगों ने नकल की नहीं की,
ठीक है, मम्मी से बोल देना बनाकर भेजेगी, मैं देखती हूँ ना कौन कौन नकल करता है कौन नहीं करता। ठीक है ठीक है, ओके बाय। फोटो पे देना।